हाँ तो गाइस, क्या तुम भी फैक्ट वीडियोस बनाते हो? तो ऐसे में तुम्हें एक जो स्किल है जो सबसे ज्यादा तुम्हें आना चाहिए वो होता है वीडियो एडिटिंग स्किल। तो ऐसे में तुम्हारा एडिटिंग स्किल जितना ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे वीडियोस में उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे एंड तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइबर भी उतने ही ज्यादा होंगे। सो वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल है जो हर एक यूट्यूबर को अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद करता है। सो ये वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फैक्ट वीडियो एडिटिंग के बारे में। तो देखो, वीडियो एडिटिंग अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें एडिटिंग का एक पार्ट सिखाऊंगा एंड मेरे आने वाले वीडियोज में मैं तुम्हें और भी एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। तो ये वाले वीडियो में तुम्हें एक ऐसे एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर तुम अपने फैक्ट वीडियो पर अप्लाई करते हो, यानी अगर तुम उसे अपने फैक्ट वीडियो में यूज करते हो वाला एडिटिंग को जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, तो तुम्हारे वीडियो का स्टैंडर्ड क्वालिटी या लेवल तुम जो भी बोलो वो बिल्कुल अप हो जाएगा एंड उससे तुम्हारे वीडियो का ओवरऑल इंप्रेशन काफी ज्यादा डेंजर होगा, जिससे तुम्हारे वीडियो के वायरल होने के चांसेस एंड साथ ही साथ ज्यादा व्यूज आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करके जाना है एंड वो वाला एडिटिंग जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको सीख कर जाना है। एंड सीख कर जाने के बाद ऐसा नहीं कि हाँ छोड़ देना भाई कि बाद में कभी बनाऊंगा मन गया, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। इसके बाद तुम्हारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें तुम्हें ये वाले एडिटिंग टिप्स का यूज करना है एंड अपने वीडियो के क्वालिटी का और एक नेक्स्ट लेवल पर लेके चला जाना है। तो सीधा चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ। तो देखो गाइस, तुम्हें सबसे पहले अपने मोबाइल के पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो अब तुम यहाँ पे बोलोगे कि हैदर भाई, तुम यहाँ पे जो मुझे वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हो बट तुम यहाँ पे पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन करने को बोल रहे हो, तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें वीडियो को एंड में समझ में आ जाएगा। तो देखो, पिक्सेल लैब में ओपन करने के बाद तुम्हें सबसे पहले ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना है। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए ए पर क्लिक करना है, देन डिलीट पर क्लिक करना है, देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा कलर बोल के, तुम्हें कलर पर क्लिक करना है। जैसे तुम यहाँ पे कलर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे। तो तुम्हें यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा कलर, यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम्हें यहाँ पे जो ब्लैक कलर को सेलेक्ट करना है, जी हाँ ये वाला ब्लैक कलर है, इसको तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो ओके कर देना है इस टाइप से। एंड एक बात मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ कि अभी जो मैं यहाँ पे तुम्हें एडिटिंग सिखाने वाला हूँ वो हो सकता है कि तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट पर कुछ भी समझ में ना आए कि ये क्या कर रहा है मुझे भाई, तो कुछ यहाँ पे जो समझ में नहीं आ रहा है, बट जब तुम वीडियो को एंड तक वॉच कर लोगे देन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू क्या समझाना चाहता हूँ। सो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। देन अब उसके बाद तुम्हें यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। देन जैसे यहाँ पे तुम सेव पर क्लिक करते हो तो हमारे जो स्क्वायर आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पर तुम्हें जो यहाँ पे बिल्कुल इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा। देखो, तुम्हें सबसे पहले इसको जो यहाँ पे ओवरलैप करना है, ओवरलैप इन द सेंस कि तुमको इसको जो पूरा फिलअप करना है। तो देखो, तुम्हें सबसे पहले इसको यहाँ पे जो स्टेप यहाँ पे कोना पर लेके चला जाना है या किनारे पर लेके चला जाना है, तुम जो भी बोलना चाहो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल जो इसको ये वाला साइड को कुछ स्टेप से यहाँ तक ड्रैग करना है, बिल्कुल जो एंड तक। एंड ये वाला जो साइड दिख रहा होगा इसको भी तुमको जो बिल्कुल यहाँ पे एंड तक ड्रैग कर लेना है कुछ स्टेप से यहाँ तक। देखो, अब हमारे जो यहाँ पे बिल्कुल ओवरलैप हो चुका है, ओवरलैप इन द सेंस कि हमारा जो ब्लैक वाला कलर था उसके ऊपर जो है पूरा यहाँ पे व्हाइट वाला जो हमने यहाँ पे शेप लिया वो बिल्कुल जो यहाँ पे ऊपर पर आ चुका है। ब्लैक कलर को जो हमारे यहाँ पे व्हाइट कलर ने बिल्कुल ढक दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद तुम्हें यहाँ पे नीचे को चला जाना है एंड नीचे को जाने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपेसिटी बोल के, तुम्हें ओपेसिटी को यहाँ पे बिल्कुल कर देना है जीरो कुछ इस टाइप से। इसी तुम यहाँ पे ओपेसिटी को जीरो कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा जो यहाँ पे वो वाला शेप जो तुमने लिया था वो वाला शेप बिल्कुल गायब हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हें फिर से यहाँ पे नीचे चला जाना है एंड नीचे जाने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्ट्रोक विद, ठीक है। तुम्हें सबसे पहले इसको बढ़ा देना है कुछ इस टाइप से। तो देखो, अभी तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमारा जो स्ट्रोक का कलर है वो यहाँ पे जो दूसरा है। देखो, तुम्हें सबसे पहले स्ट्रोक का कलर चेंज करना है। स्ट्रोक का कलर चेंज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले नीचे आना है। देखो, तुम्हें यहाँ पे दो कलर दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले तुम अगर यहाँ पे स्टार्टिंग से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला तुम्हें कलर दिखेगा। देन उसके बाद जैसे तुम और भी जो यहाँ पे सेलेक्ट करते जाओगे तो तुम्हें ये वाला कलर दिखेगा, मतलब यहाँ पे कलर का ऑप्शन दो बार आ रहा है। तुम्हारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है कलर वाला, पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम्हें यहाँ पे कोई भी जो कलर को सेलेक्ट करना है। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें जो व्हाइट कलर को कुछ स्टेप से सेलेक्ट करना है। तो अब देखो, हमारा जो चारों तरफ से यहाँ पे व्हाइट व्हाइट आ चुका है, ठीक है। एंड हमारे जो यहाँ पे स्ट्रोक का विड्थ दिख रहा होगा तुमको, इसको तुमको जितना भी तुमको यहाँ पे जो मोटा चाहिए उस टाइप से तुम यहाँ पे ले सकते हो। इसको तुम्हें जो यहाँ पे ज्यादा मोटा नहीं रखना है, मतलब इसको थोड़ा जो है पतला टाइप से कुछ स्टेप से जो रखना है, ठीक है। तुम यहाँ पे 12 या 15 तक कुछ स्टेप से रख सकते हो, मैं अभी फिलहाल इसे जो यहाँ पे 10 पर रखता हूँ। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको तुम्हें जो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ स्टेप से इसको यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो अब हमारे जो यहाँ पे लॉक हो चुका है। देन देखो, अब तुम्हें और एक चीज यहाँ पे करना है। देखो, अगर जी तुम्हें यहाँ पे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ पे वीडियो को देखते रहो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें फिर से यहाँ पे शेप लेना है एंड शेप को लेने के बाद कुछ स्टेप से जहाँ पे एक क्या बोलते हो उसे डंडी टाइप का बना लेना, ठीक है, या एक लाइन टाइप का जो कुछ स्टेप से इसको यहाँ पे बना लेना है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो ऊपर के साइड कुछ स्टेप से इसको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारे कुछ स्टेप से यहाँ पे डंडी टाइप हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें फिर से यहाँ पर इसे क्लिक करना है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो कॉपी पर क्लिक करना है जिससे हमारे ये वाला डंडी जो फिर से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। हमने कॉपी इसलिए किया क्योंकि हमें जो बिल्कुल वही साइज का यहाँ पे डंडी चाहिए, ठीक है, या लाइन चाहिए जो भी तुम बोलो। उसको तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे नीचे के साइड कुछ स्टेप से लेकर आ जाना है। देखो, थोड़ा कुछ स्टेप से इसको यहाँ पे ऊपर कर लेना है एंड इसको कुछ स्टेप से छोड़ देना है। तो हमारा जो यहाँ पे बिल्कुल बनकर यहाँ पे जो रेडी हो चुका है। अब जो मैं तुम्हें इसे यहाँ पे जो अपने वीडियो में यूज करके दिखाता हूँ एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब मैं तुम्हें जो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था कि देखो, उसके बाद तुम्हें और यहाँ पे जो पिक्सेल लैब में और एक लास्ट काम करना है। वो लास्ट काम क्या है कि तुम्हें यहाँ पे फोर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बोल के, ट्रांसपेरेंट। जैसे तुम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दोगे तो हमारा जो यहाँ पे ब्लैक वाला कलर था वो बिल्कुल यहाँ पे गायब हो जाएगा। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। देन उसके बाद तुम्हें डायमेंशन दिख रहा होगा तो तुम यहाँ पे जो वेरी हाई ले सकते हो जिससे हमारे जो यहाँ पे फोटो का क्वालिटी बिल्कुल ज्यादा जो यहाँ पे ओपी होगा। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो अब हमारा ये वाला फोटो जो है डाउनलोड हो चुका है। अब मैं तुम्हें इसे जो काइन मास्टर में यूज करके दिखाता हूँ एंड जो मेन चीज मैं तुम्हें बताना चाह रहा था तुम्हारा इसे जो वीडियो का जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो किस टाइप से डेंजर हो जाएगा। तो देखो गाइस, पिक्सेल लैब में वो सारी चीज बनाने के बाद तुम्हें यहाँ पे जो फाइनली काइन मास्टर को ओपन कर लेना है।
जिस पर तुम अपने वीडियो को एडिट करने वाले हो। देन उसके बाद तुम्हें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है एंड 1:1 का रेशियो लेना है। तुम्हें 9:16 वाला रेशियो नहीं लेना है क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो फैक्ट्स के क्रिएटर हैं वो यहाँ पे जो है 1:1 के रेशियो में जो फैक्ट्स वाले वीडियो बनाते हैं। 1:1 का रेशियो जो काफी ज्यादा अच्छा रेशियो होता है शॉर्ट्स वीडियोस के लिए। सो अगर तुम यहाँ पे 9:16 वाला रेशियो यूज करते थे पहले, अब से तुम्हें यहाँ पे जो 1:1 वाला रेशियो यूज करना है। तो तुम्हें यहाँ पे जो 1:1 वाला रेशियो को कुछ स्टेप से ले लेना है एंड तुमने जो यहाँ पे जो भी वीडियो बना रखा है उस वीडियो को तुम्हें सबसे पहले जो यहाँ पे लाना है, मतलब जो भी तुम्हारा फैक्ट्स है उनसे रिलेटेड तुम्हें जो यहाँ पे वीडियो क्लिप्स को लाना है। जैसे तुम यहाँ पे जो नॉर्मल वीडियो में लाते हो वैसा जो मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। तो कुछ स्टेप से मैंने जो यहाँ पे दो वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो टिक के आइकन पर क्लिक करना है एंड हमारे जो यहाँ पे वीडियो क्लिप आ चुका है। बट इधर को तुम्हें यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा होगा सो इसको हटाने के लिए तुम्हें वीडियो को जूम करना पड़ेगा। जूम करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जो क्लिक करना है, नहीं यहाँ पे जो तुम्हें बीच वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसको दोनों फिंगर से कुछ स्टेप से जो यहाँ पे जूम कर लेना है, ठीक है। जिससे हमारा जो यहाँ पे ब्लैक वाला स्ट्रिप अभी दिख रहा है एंड इसको तुम जैसे जूम करोगे तो ये ब्लैक वाला स्ट्रिप नहीं दिखेगा एंड हमारा जो ये वीडियो फुल स्क्रीन पर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें एक इक्वल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये इक्वल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है देन टिक कर देना है। देन उसके बाद तुम्हें ये वाला सेम प्रोसेस जो ये वाले वीडियो में भी करना है क्योंकि इधर को तुम्हें जो यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप देखने को मिल जाएगा। सो इसको हटाने के लिए तुम्हें जो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना पड़ेगा, इसको तुम्हें कुछ स्टेप से जूम कर लेना है एंड जूम करने के बाद तुम्हें जो यहाँ पे लास्ट में एक इक्वल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इसको क्लिक करके यहाँ पे जो टिक कर देना है। तो देखो अब हमारा जो वीडियो क्लिप है वो बिल्कुल यहाँ पे जो फुल स्क्रीन पर हो चुका है, हमारा कोई भी जो यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप वगैरह नहीं है। देन अब तुमने जो यहाँ पे चीज बनाया था पिक्सेल में उसको जो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे इंपोर्ट कराना है, ठीक है, वो वाला चीज को यहाँ पे तुम्हें जो लाना है। देन उसके बाद तुम्हें जो यहाँ पे जादू देखने को मिलेगा कि हमारा वीडियो क्वालिटी जो कितना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, हमारा वीडियो एडिटिंग जो है जो एडिटिंग होगा वीडियो का वो काफी ज्यादा जो तगड़ा हो जाएगा। तो उसको लाने के लिए तुम्हें लेयर पर क्लिक करना है, देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे मीडिया पर क्लिक करना है। तो देखो जैसे ही तुम यहाँ पे मीडिया पर क्लिक कर दोगे देन तुम्हें पिक्सेल वाले जो फोल्डर है वो वाले फोल्डर पर चला जाना है। तो देखो पिक्सेल में जो हमने चीज बनाया था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमने यहाँ पे इमेज बनाया था वो जो हमारा आ चुका है, देन इसको तुम्हें जो यहाँ पे लाना है, ठीक है, अपने वीडियो में लगाना है। वीडियो में लगाने के लिए तुम्हें इस पर टैप करना है, जैसे तुम टैप करोगे तो ये वाला हमारे जो यहाँ पे वीडियो में लग जाएगा। देन उसके बाद तुम्हें जो यहाँ पे बिल्कुल इसको जो यहाँ पे जूम करना है एंड तुम्हें जो यहाँ पे वीडियो का एंड वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जिसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं उसको तुम्हें यहाँ पे इस पर जो यहाँ पे प्रॉपरली फिट करना है, ठीक है, मतलब इसको बॉर्डर में लगाना है एज अ बॉर्डर। तो इसको तुम्हें कुछ स्टेप से जूम करना है, इतना भी जूम नहीं करना है, बिल्कुल तुम्हें इतना जूम करना है कि ये वाला जो हमारा यहाँ पे परफेक्ट साइज जो वहाँ पे लग जाए, ठीक है, कुछ स्टेप से। ये देखो इतना भी जूम करके तुम्हें नहीं छोड़ देना है, नहीं तो ये हमारा जो परफेक्ट साइज होगा ही नहीं। तो तुम्हें इसको कुछ स्टेप से जो यहाँ पे जूम करना है एंड इसको जहाँ पे कुछ स्टेप से कॉर्नर पर ले जाकर सेट कर देना है। तो देखो हमारा जो यहाँ पे जूम हो चुका है बिल्कुल काफी अच्छे तरह से एंड यहाँ पर क्लिक करके तुम देख भी सकते हो कि हमारे जो कुछ स्टेप से जूम हो चुका है एंड इसको तुम यहाँ पर क्लिक करके फिर से जो यहाँ पे बैक भी जा सकते हो। तो देखो अब हमारे जो यहाँ पे क्या चीज़ है ये दो चीज़। तो देखो कैप्शन जो तुम लगाते थे पहले तो उसमें तुम्हारा जो कैप्शन नॉर्मल लगता था, बट अब तुम इसके बाद जो कैप्शन लगाओगे तो वो कैप्शन तुम्हारा जो काफी खतरनाक लेवल का लगेगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ किस टाइप से। तो देखो उसके बाद तुम्हें फिर से यहाँ पे लेयर पर क्लिक करना है देन टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड तुम्हारा जिस चीज से भी रिलेटेड फैक्ट है उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। लाइक अगर जो मेरे यहाँ पे जो है मोस्ट एक्सपेंसिव कार, ठीक है, मैं ये वाला टॉपिक यहाँ पे दे देता हूँ कि सबसे जो यहाँ पे महंगा कार कौन सा है, तो उसको मैं यहाँ पे जो टाइप कर देता हूँ इन वर्ल्ड कुछ स्टेप से जो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि दुनिया में जो सबसे महंगा कार कौन सा है, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो क्लिक करना है एंड यहाँ पर पूरा को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कुछ स्टेप से एंड इसको जो यहाँ पे क्लिक करना है जिससे हमारा जो यहाँ पे सारा कैपिटल हो जाएगा। देन उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन वर्ल्ड ये हो चुका है। देन उसके बाद तुम्हें इसको जो यहाँ पे कुछ अच्छा अच्छा फॉन्ट ले लेना है, ठीक है, एंड फॉन्ट वगैरह के ऊपर जो मेरा बाद में वीडियो आने वाला है एडिटिंग के ऊपर। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे टिक कर देना है। तो हमारा जो ये वाला फॉन्ट काफी ज्यादा अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें फिर से जो यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड इसको कुछ स्टेप से छोटा कर लेना है एंड यहाँ पे जो इसका तुम्हें जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाना है। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए तुम्हें यहाँ पे जो नीचे आ जाना है एंड तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैकग्राउंड कलर बोल के, यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसे कुछ स्टेप से इनेबल कर देना है। ये वाला भी तुमको जो इनेबल कर देना है फुल विद बैकग्राउंड एंड यहाँ पर क्लिक करके तुम्हें यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट करना है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर जो है व्हाइट में काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड इसका जो ओपेसिटी है बिल्कुल इसको तुम्हें यहाँ पे जो 100 कर देना है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे फिर से टिक कर देना है एंड इसको तुम्हें जो यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो देखो अब हमारे जहाँ पे परफेक्ट साइज में आ चुका है एंड इसको तुमको जहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो है बॉर्डर के पीछे भेजना है, ठीक है। बॉर्डर के पीछे भेजने के लिए तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेंड बैकवर्ड, तुम्हें सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है जिससे हमारे जो है बॉर्डर के पीछे चला जाएगा। तो देखो गाइस फाइनली काफी ज्यादा मेहनत के बाद जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो यहाँ पे सेट हो चुका है बिल्कुल बीच में ये वाला जो हमारा कैप्शन है, ठीक है, वो जो हमारा बॉर्डर के पीछे आ चुका है एंड उसी के साथ ही साथ जो है ये बिल्कुल बीच में आ चुका है, ठीक है। ज्यादा जो है लेफ्ट की तरफ भी ज्यादा नहीं गया एंड ज्यादा राइट की तरफ भी नहीं गया, ठीक है। तो इसको तुम्हें टाइम देकर जो बिल्कुल फिट कर लेना है बीच में जिससे हमारे जो ये दोनों लाइन है वो बिल्कुल अच्छे से दिखे, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे नीचे के साइड में भी कुछ कैप्चर लगाना है, इसलिए जो हमने यहाँ पे जगह छोड़ रखा है, ठीक है। तो नीचे के साइड में तुम्हें कैप्चर लगाने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पहले वाले कैप्चर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, देन डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। तो जैसे तुम यहाँ पे डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो ऊपर के साइड हमारे जो यहाँ पे दो कैप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एक कैप्शन को तुम्हें कुछ स्टेप से नीचे के साइड लेकर आ जाना है एंड जो ये वाला खाली वाला बॉक्स है, ठीक है, इसको यहाँ पे तुम्हें फिल कर देना है कुछ स्टेप से एंड इसको भी तुम्हें जो यहाँ पे सेंड टू बैकवर्ड कर देना है, मतलब इसको भी तुम्हें यहाँ पे जो बॉर्डर के पीछे भेज देना है, ठीक है, वरना ये जो अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉर्डर के पीछे भेजने के लिए तुम्हें 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड सेंड टू बैकवर्ड दिख रहा होगा, ठीक है, सेंड बैकवर्ड तुम्हें यहाँ पर क्लिक करना है जिससे हमारे ये वाला जो यहाँ पे बॉर्डर के पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों के साइड तुम्हारा जो यहाँ पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, ठीक है, दोनों कैप्शन सेम हो रहा है। तो नीचे के साइड तुम यहाँ पे जो कुछ भी लिख सकते हो। तो ये वाला फॉन्ट को चेंज करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कीबोर्ड के आइकन पर क्लिक करना है एंड इसको तुम यहाँ पे जो मिटा के कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो सब्सक्राइब नाउ लिख देता हूँ, ठीक है, तुम सब्सक्राइब नाउ या अपने चैनल का नेम वगैरह भी कुछ हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जो सब्सक्राइब नाउ लिख देता हूँ फिलहाल से।
ओके पर क्लिक करके कुछ स्टेप से जो आ चुका है, ठीक है हमारा। तो देखो इसको भी तुम्हें यहाँ पे जो प्रॉपरली फिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तुम्हें कुछ स्टेप से बीच पे सेंटर पे लेके आ जाना है। एंड हमारा जो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो यहाँ पे काफी अच्छा वाला कैप्शन लग चुका है, ठीक है। इसको तुम्हें थोड़ा नीचे कर लेना है। एंड उसके बाद तुम्हें जो यहाँ पे बिल्कुल इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है वीडियो के एंड तक, ठीक है। एक्सटेंड करने के लिए तुम्हें इसको जो यहाँ पे बिल्कुल एंड तक लेकर चला जाना है सारा चीज को, ठीक है। तुम्हारा जो भी एडिटिंग है वो सारा को तुमको जो यहाँ पे पूरा फुल वीडियो में रखना है। दैट्स वाई इसको तुम्हें जो यहाँ पे पूरा एक्सटेंड करना पड़ेगा फुल वीडियो तक, ठीक है। जो भी बॉर्डर वगैरह हमने लगाया, तो यही चीज जो मैं तुम्हें यहाँ पे वीडियो में सिखाना चाह रहा था कि अब तुम्हें जो कुछ स्टेप्स यहाँ पे जो बॉर्डर लगाना है, ठीक है। अब तुम्हें सेव करने के बाद जो मैं ये वाले वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, देन उसके बाद तुम वीडियो का क्वालिटी देखना कि वीडियो का क्वालिटी कितना ज्यादा जो है ओपी हो चुका है, ठीक है। तो सेव करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। एंड तुम जो यहाँ पे सेव करना तो जानते ही हो, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे सेव करने के बाद जो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखा गाइस तुमने सेव करने के बाद जो मैंने तुम्हें यहाँ पे वीडियो को प्ले करके दिखाया, तो हमारे वीडियो में जो कैप्शन है वो कितना ज्यादा ओपी लग रहा था। चारों तरफ से हमारे जो यहाँ पे वीडियो में बॉर्डर आ रहा था एंड हमारा दो कैप्शन जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था एंड वो चीज जो हमारे यहाँ पे वीडियो को एक अलग ही लेवल पर जो दिखा रहा था, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हारा जो भी वीडियो आएगा उसमें तुम ये वाला चीज का यूज जरूर करना, ये वाला एडिटिंग ट्रिक का यूज जरूर करना एंड अपने वीडियो में कुछ स्टेप से बॉर्डर लगा के तब जो यहाँ पे कैप्शन लगाना, ठीक है। एंड अगर तुम्हें किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई वीडियो का पार्ट समझ में नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, किसी टाइप का पिक्सल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तुम अपने भाई को जो यहाँ पे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हैदर अकिन जो मेरा आईडी है इंस्टाग्राम आईडी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर दिया है, वहां से तुम डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ पे जो पर्सनली बिल्कुल जो यहाँ पे गाइड करूंगा, पूरा जो हेल्प करूंगा एंड यार मैसेजेस काफी ज्यादा आ जाते हैं, सो तुम यहाँ पे थोड़ा वेट करना, मैं तुम्हें रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगा, ठीक है। सो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन पर 4141 ये वाला कोड को टाइप कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुमने बिल्कुल जो वीडियो को एंड तक देखा है एंड तुम्हें भी कुछ सीखने का जो जज्बा है, हुनर है या शौक है, जिससे तुम अपने चैनल को जो काफी ज्यादा आगे ले जा सकते हो। एंड वीडियो एडिटिंग के साथ ही साथ तुम्हें जो यहाँ पे ऑडियो एडिटिंग भी काफी ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। सो अगर तुम्हें यहाँ पे ऑडियो एडिटिंग करना नहीं आता है तो ये वाले वीडियो पर क्लिक करो एंड यहाँ पर क्लिक करके तुम यहाँ पे जो ऑडियो एडिटिंग करना सीख सकते हो काफी अच्छे से। एंड अगर तुम भी फैक्ट वीडियो बना रहे हो एंड तुम्हारा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो ये वाले वीडियो पर क्लिक करके तुम एक जो वायरल आइडिया ले सकते हो एंड अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। सो मिलता हूं यार मैं तुम लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए तुम जहां पर भी हो, जैसे भी हो, स्टे मोटिवेटेड, कीप वर्किंग, कीप ग्रोइंग, बाय।